गर्भपाल रसोई में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मशरूम, एक प्याज, ये बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से काट लिए हैं, दो टमाटर, 5-6 के लिए लहसुन का लिया है मैंने, एक हरी मिर्ची, इसका पेस्ट बना लेंगे, काजू है, और एक प्याज मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, एक शिमला मिर्च, ये भी इस तरह से काटे हुए हैं, ये 2 चम्मच के करीब बेसन है। पहले टमाटर को पीसते हैं, साथ में एक हरी मिर्ची और लहसुन, ये तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। टमाटर और लहसुन को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें सरसों का तेल डालते हैं। पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें सब्जियों को हल्का फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मशरूम, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। मशरूम हल्के फ्राई हो गए हैं, अब निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा तेल बचा हुआ है, इसमें जो प्याज लंबे लंबे काटे थे इसको फ्राई कर लेते हैं, साथ में शिमला मिर्च को भी हल्का सा नरम कर लेते हैं। प्याज और शिमला मिर्च भी हल्की नरम हो गई है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। हल्का सा ये जो 3-4 काजू रखे थे मैंने, इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। काजू को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए फिर से इसमें सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 चुटकी हींग, इसमें बेसन को डाल देते हैं, 2 चम्मच है। बेसन हमारा हल्का भून गया है, इसमें प्याज डालते हैं। बेसन से सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। प्याज को गोल्डन होने तक भून लेते हैं। प्याज हमारी अच्छे से भून गई है, इसमें पेस्ट डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये पेस्ट भूनने के बाद में मसाला डालते हैं। पेस्ट हमारा भून गया है, अब इसे मसाला डालते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। स्वाद अनुसार नमक, अब इसको भी अच्छे से भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। इसमें 1 गिलास पानी डालते हैं। इसको कवर कर देते जब तक बॉयल ना आ जाए। गैस की आंच को मैंने फुल पे कर रखा है, अब ढक्कन हटा लेते।
हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आया क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाला था। अब इसमें मशरूम को डाल देते हैं, प्याज और शिमला मिर्च ये भी डाल देते हैं। फिर से इसको कवर करते हैं और 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे। 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ढक्कन हटा लेते हैं, हमारी सब्जी बनके रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी हमारी सुपर टेस्टी बनके तैयार है। अब से थोड़ा सा काजू डाल देती हूँ। सब्जी को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आप मशरूम की सब्जी रोटी या पराठा या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मशरूम बनाने की सब्जी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे।